हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैम सीक्रेट्स और मैं हूं आरती शर्मा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूं इस वीडियो में बंगाली साड़ी स्टाइल ड्रेपिंग। और इसमें ना क्या है कि मैं आपको जो स्टाइल बता रही हूं ना, इसमें आप स्लिम दिखोगे और बहुत ही स्टाइलिश दिखोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी साड़ी दिखा दूँ। ये है मेरी साड़ी, इसका पाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। साड़ी के मैचिंग का ब्लाउज़ और पेटीकोट मैंने पहन लिया है, और इस साड़ी का जो ब्लाउज़ है वो मैंने डिटैच नहीं किया है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ ड्रेपिंग करना। तो साड़ी के फर्स्ट पार्ट को राइट हैंड साइड से टक करके और फिर एक सर्कल लेंगे। लेंथ का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपने जो फुटवेयर पहनी है उससे हाफ होनी चाहिए, यानी आपकी आधी फुटवेयर दिखे इतनी लेंथ होनी चाहिए, और फिर चारों तरफ से प्रॉपर इसे टक कर देंगे। तो लीजिए, साड़ी टक हो चुकी है। अब लेंथ को देखते हुए, देखिए यहाँ पे मेरे पैर दिखाई दे रहे थे तो पहले मैंने उनको कवर किया, यानी लेंथ का ध्यान रखा, और फिर उसके बाद साड़ी की जो फर्स्ट प्लीट है। और हाँ, बंगाली साड़ी में ना कभी भी पतली प्लीट्स नहीं बनती है, हमेशा चौड़ी प्लीट्स बनती है, यानी फर्स्ट पार्ट से सेकेंड पार्ट तक इतनी चौड़ी प्लीट्स बनती है, ठीक है। और प्लीट्स बनाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक प्लीट वाली बंगाली साड़ी पहनते हो ना, तो आपको चलने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये जो साड़ी है ना, ये थोड़ी लंबी है, तो इसीलिए मैंने 3 से 4 प्लीट्स बनाई है। ओके, तो ये मेरी तीसरी प्लीट रेडी हो चुकी है। देखिए गाइज, प्लीट्स रेडी हो चुकी हैं, और इन्हें मैं हाथों से ज़रूर प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि ये जो साड़ी है ना, ये सिल्क साड़ी है, और इन्हें हाथों से करने से ना प्रेस वो क्या होती है ना, बैठ जाती हैं। और यस, अब मैं पल्ले वाले पार्ट पर आ रही हूँ। तो पल्ले के लिए नॉर्मली जैसे प्लीट्स बनाते हैं जिगजैग करते हुए, बिल्कुल वैसी प्लीट्स बनाएंगे। यहाँ पर मैंने जो प्लीट की चौड़ाई है बहुत ही कम रखी है, क्योंकि आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, जो प्लीट्स होती हैं ना वो नीचे की तरफ से अपने आप चौड़ी हो जाती हैं, तो अगर आप ऊपर की जो प्लीट्स हैं वो ज़्यादा कम पतली बनाते हो ना, तो नीचे जाके आप जितनी चौड़ी प्लीट्स चाहते हो ना वो उतनी प्लीट्स बन जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है प्लीट्स बनाते टाइम पर। अब इन्हें शेक करने के बाद वन बाय वन सारी प्लीट्स को मैं अरेंज कर रही हूँ। तो लीजिए, प्लीट्स अरेंज हो गई हैं, एंड फिर उसके बाद अपनी लेंथ को देखते हुए बंगाली साड़ी की हम यहाँ पर प्लीट्स की लेंथ रखेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर दोबारा से प्लीट्स को अरेंज करके और फिर इन्हें अपने शोल्डर पे रख दूँगी।
तो गाइज आप देख सकते हैं प्रेस कर लिया, और जो ऊपर की तरफ हमने पहले पिन लगाई थी ना उसको निकाल लेंगे, और जो सबसे पहली प्लीट है ऊपर वाली उसको हटा के और अंदर की तरफ से पल्ले को इस तरीके से इंसर्ट करके और पीछे की तरफ से पिन से सिक्योर कर देंगे। इससे क्या होता है ना, आपका जो पल्ला है वो कहाँ से आया है ये भी नहीं पता चलेगा, और ये इन्फिनिटी बंगाली साड़ी ड्रेपिंग दिखाई देगी। सो यस गाइज, आपको ये ध्यान रखना है कि जो पल्ला है वो आपको हटा के, फ्रंट पल्ले को हटा के और फिर अंदर से पिन लगाना है, ताकि ऊपर से दिखाई ना दे अपने पिन को कहाँ से सिक्योर किया है। और ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि नीचे से ऊपर तक पल्ला जो फर्स्ट प्लीट है ना वो प्रॉपर दिखाई देनी चाहिए। अब यहाँ पे हम कमरबंद पहन लेंगे। बंगाली साड़ी में कमरबंद पहनना, ट्रेडिशनल बंगाली साड़ी में कमरबंद पहनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, लेकिन इस तरीके वाले में आप प्रॉपर कमरबंद पहन सकते हैं। और यहाँ देखिए मैंने जो फर्स्ट प्लीट है ना वो एकदम सामने से शो करी है, और इससे क्या होगा ना जो लुक है वो और प्यारा लगेगा, और यहाँ पर आप बहुत स्लिम दिखोगे, गॉर्जियस लगोगे। और हाँ, साइड में आप चाहते हैं और अच्छा लुक शो हो, जैसे कि यहाँ पे वाइट पोर्शन दिख रहा है, तो वहाँ पर आप शो पिन लगा सकते हैं जो हम साड़ी में प्लीट्स के लिए लगाते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो कमरबंद भी हैंग कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये लुक कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, दोनों लुक में से बेस्ट कौन सा वाला लग रहा है ये भी ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दिया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।